क्षेत्र हरदला सोनकपुर में रहने वाले एक युवक के साथ कुछ दबंग लड़कों ने मारपीट की और उसके पैसे भी छीन लिए। घायल हालत में युवक सड़क किनारे पड़ा रहा। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल हालत में युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आए दिन हो रही मारपीट की घटनाओं से साफ जाहिर होता है कि दबंगों में पुलिस के प्रति कोई खौफ नहीं है। सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र हरथला सोनकपुर में रहने वाले एक युवक के साथ कुछ दबंग लड़कों ने मारपीट की और उसके पैसे भी छीन कर ले गए। घायल हालत में युवक सड़क किनारे पड़ा मिला। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने आनन फानन में घायल हालत में युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, साथ ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। युवक के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ घायल युवक के परिजनों ने शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हरथला सोनकपुर के रहने वाले अमित का कहना है कि उनका भाई सुमित मां की दवा लेने के लिए जा रहा था। रास्ते में मोहल्ले के ही रहने वाले कुछ दबंग युवकों ने उसके भाई के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, भाई के पास रखे 10,000 रुपए भी उन लोगों ने छीने, जो मां की दवा लाने के लिए उनका भाई सुमित घर से लेकर गया था। उन्होंने कहा कि उनका भाई घायल हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला। क्षेत्र के लोगों की सूचना पर जब वो मौके पर पहुंचे तो सुमित को घायल हालत में देखा और दंग रह गए। आनन फानन में उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही पुलिस को सूचना भी दी। घटना कुछ हुई, इसे हमने भेजा दवाई लेने के लिए। मम्मी की हमारी तबियत खराब हुआ, एडमिट थी ना, तो दवाई लेने भेजा हमने। से दवाई लेने जा रही है, ऑटो बंदिया कर गया दिखे आई। अब इतने में इस पर पता ना कौन है कहाँ गया, हमें तो पता ही ना। खैर अब मारा तोड़ी हुई, फिर उसके बाद हमें फ़ोन करा किसी अनजान ने कि ऐसे ऐसे यहाँ पड़ा है, तुम्हारा भैया है क्या? मैंने हाँ है। तो क्या हो गया कैसे? मैं भागा तुरंत, देखा मैं आके तो खून लग पा रही है इसके। फिर खून उन रोका, लेके आया मैं थाने को। अब थाने लाने के बाद फिर देखा तहरी वहरी थी, यहाँ मेडिकल कराया, जब से उल्टी है खून तो रुक ही ना उसको। ये बताओ कौन लड़के थे? फिर मोहल्ले के पीछे के बता रहे हैं, पीछे के मोहल्ले के। कितने लोग थे? 15-20 जने। क्या विवाद था आपके भाई का? विवाद कुछ नहीं था उसका, क्या विवाद था? वो तो जा रही है दवाई लेने चुपचाप से। अब देखा तो उसको पैसे से कुछ, हमने भी पैसे से कहा है, पैसे से भी कहा है उसके। कितने पैसे थे? 10,000 रुपये दिए, उसमें से जा रही दवाई लेने। कहाँ की घटना है ये? हमें तो ये पता ना, मुझे तो इतना पता जहाँ मुझे मिला मैं तो वहाँ पहुँचा, मुझे यहाँ बताई किसी ने। कहाँ मिला? मुझे तो हिंगरी के ऊपर से मिला। आपने थाने में शिकायत करी थी? हाँ। मोहल्ले के ही आपके पीछे के ही हैं? ज़्यादा गंभीर है आपका भाई? हाँ गंभीर है, उल्टी कर गया यार, सर में दर्द हो गया उसके। क्या करते हैं ये पढ़ाई कर रही है। देखना होगा कि कब जाकर इस तरह की घटनाओं पर विराम लग पाता है।